उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना सीएम उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है और अब नजर बीजेपी पर है कि बीजेपी किस चेहरे के सहारे प्रदेश के चुनावी रण में उतरती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और भैयाजी जोशी ने सर्वे कराने पर विचार किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी ये सर्वे दो तरह से करवाएगी, एक सर्वे आरएसएस करवाएगा तो दूसरा सर्वे बीजेपी करवाएगी। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सियासी हुंकार भरी है। आज शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि दलित मुद्दे के पीछे राजनीतिक साजिश हो रही है। तो साफ है कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि प्रदेश के चुनाव को सिर्फ पीएम के सहारे नहीं जीता जा सकता। यूपी में शुरू से ही जातिवाद की राजनीति होती रही है। ऐसे में अब बीजेपी किन समीकरणों पर दाव खेलती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।